हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। देखो जी, हमारी किन्नौर की और स्पीति की ट्रिप तो हो गई है खत्म, वीडियो धीरे धीरे आएंगी। आज मुझे एक आपसे काम की बात करनी है। आपने किन्नौर में चारंग की वीडियो देख ली है, उसके बाद हम नाको वगैरह गए, उसके बाद फिर हम स्पीति वैली में एंट्री कर ली। स्पीति वैली में हम जिन जगहों पे जाना चाहिए था उन जगहों पे भी गए, और जिन जगहों पे नहीं जाना चाहिए था उन जगहों पे भी गए। मतलब कि हमने स्पीति वैली का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा। 7-8 दिन हमने वैली में लगाए। तो अभी फिलहाल हम चंद्रताल होते हुए मनाली वापस आ गए हैं, और मनाली आके आपसे जो मुझे काम की बात करनी है वो मैं अब करता हूँ। देखो जी, आज है 4 सितंबर 2021। 12 सितंबर 2021 को यानी के ठीक 8 दिन बाद हमारी एक ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट होगी ट्रिप शिमला से, 7 दिन 6 नाइट की ट्रिप होगी स्पीति वैली, और फिर मनाली आगे ख़त्म हो जाएगी। तो जी, मुझे बस यही कहना था कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ चल सकते हो। पूरी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले दिन यानी कि 12 सितंबर को हम चलेंगे सुबह 7 बजे 8 बजे, आपस में डिसाइड कर लेंगे कितने बजे चलना है। फिलहाल तो हमने 7 बजे का टाइम डिसाइड कर रखा है। टेम्पो ट्रैवलर रहेगा हमारे साथ, और हम चलेंगे शिमला से रक्षम पड़ता है किन्नौर में। अगले दिन यानी कि 13 सितंबर को रक्षम से जाएंगे हम छितकुल घूम के फिर रक्षम वापस आएंगे, होटल से चेकआउट करेंगे, फिर पहुँचेंगे हम कल्पा होटल में चेक इन करेंगे। अगले दिन यानी कि तीसरे दिन 14 तारीख को कल्पा से हम चलेंगे और पहुंचेंगे नाको लेक देखते हुए, नाको की जो मोनेस्ट्री है वो देखते हुए, और जो चारों तरफ के नज़ारे उजारे वो सब देखते हुए हम पहुंच जाएंगे ताबो से भी पहले एक ग्यू मोनेस्ट्री है। ग्यू में एक लामा जी की मम्मी रखी हुई है पुराने टाइम में। इजिप्ट की मम्मियों के बारे में आपने सुना होगा, इजिप्ट की मम्मियों की क्या थी, वो मसाला लगा के पिरामिड के अंदर रखते थे, फिर वो सैकड़ों हजारों साल तक सही सलामत रखी रहती थी। तो इसी तरह से वो बिना मसाले के वो लामा जी की मम्मी रखी गई है, वो लामा जी की मम्मी को आप देख सकते हो। नाइट स्टे होगा उस दिन ताबो में। अगले दिन ताबो लोकल घूमेंगे, ताबो की मोनेस्ट्री देखेंगे, ताबो में कुछ नेचुरल केव्स बनी हुई है, गुफाएं बनी हुई है वो देखेंगे, और फिर ताबो से चल पड़ेंगे हम ढंगर की तरफ। ढंगर की मोनेस्ट्री बड़ी ज़ोरदार मोनेस्ट्री है, देखते ना उसको, देखते जी खुश हो जाएगा आपका। अगर जी खुश ना हो तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम नीरज मुसाफिर है, उसकी बजाय कुछ भी कर देना। ढंगर की मोनेस्ट्री देखने के बाद चलेंगे हम पिन वैली में। पिन वैली ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। पिन वैली में सगनम और मुद, ये दो गांव हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि सड़क थोड़ी सी ख़राब है, तो हो सकता है हम सगनम से वापस आ जाएँ, हो सकता है टाइम जैसा बचेगा मुद से वापस आ जाए। नाइट स्टे होगा काजा में। अगले दिन भाई घूमेंगे हम काजा लोकल, काजा की मोनेस्ट्री देखेंगे, काजा का मार्केट तो शाम का टाइम होता है, उसको शाम के लिए रिजर्व कर लो, ठीक है। और चलेंगे फिर हम लांगजा जाएंगे और हिक्किम जाएंगे और कोमिक जाएंगे, वापस काजा आके सो जाएंगे। सोने से पहले डिनर वनर करेंगे और लोकल मार्केट घूमेंगे। वहाँ पे हमने एक पकौड़ों की, समोसे की और जलेबी की दुकान ढूंढी है आप सबके लिए, आपको मैं खिलाऊंगा अपने खर्चे से सबको जलेबियाँ। अगले दिन भाई काजा से चलेंगे, पहुँचेंगे चंद्रताल। रास्ते में देखेंगे हम की मोनेस्ट्री देखेंगे, किब्बर देखेंगे, और वो चीचम का ब्रिज देखेंगे, और पहुँचेंगे हम चंद्रताल पे कैंपिंग में नाइट स्टे होगा। चंद्रताल की लेक आप देखोगे। और 7वें दिन यानी कि आखिरी दिन चंद्रताल से चलेंगे और अटल टनल होते हुए मनाली आ जाएंगे। इस तरह से हमारी 7 दिन की और 6 नाइट की ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। इसका जो है खर्चा, अब भाई खर्चा भी सुनो, खर्चा है जी 22,500 रुपये पर पर्सन। इसमें बच्चों के लिए अलग डिस्काउंट है, फैमिली के लिए अलग डिस्काउंट है, ग्रुप के लिए अलग डिस्काउंट है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर चलना चाहते हो तो भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपनी गाड़ी से भी चल सकते हो और हमारे साथ टेम्पो ट्रैवलर में भी चल सकते हो। जैसा भी हो भाई, पूरी डिटेल हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बुकिंग का लिंक, व्हाट्सएप लिंक, जो भी ज़रूरत पड़ती होगी ना, सारी चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। आप बस सिंपल लिंक पे क्लिक करना, सीधे हमें जो है ना व्हाट्सएप मैसेज कर देना। टाइम कम है, आज और कल 2 दिन हम बुकिंग लेंगे, उसके बाद बुकिंग ख़त्म हो जाएगी। फिर बाद में आप ये मत कहना कि भाई नीरज बताया नहीं था। तो भाई आप सभी लोग इनवाइटेड हो और चलो हमारे साथ। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ नहीं चल सकते उनके लिए बता दूं, उनके लिए धीरे धीरे एक एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसा भी हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे। पूरी सीरीज की वीडियो आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, वीडियो से भी वर्चुअली स्पीति वैली घूम सकते हो। इसके अलावा जो लोग कम खर्चे में स्पीति वैली की ट्रिप करना चाहते हैं उन्हें भी मेरा यही सुझाव है कि भाई आप वीडियो देखो, वीडियो में पूरी डिटेल, सस्ते होटल कैसे हैं, सस्ता खाना कहाँ मिलेगा, बसें वगैरह, बसें भी चलती है स्पीति वैली में। मनाली से काजा की बस चलती है, शिमला से काजा की बस चलती है, तो आप बस से भी वो ट्रिप कर सकते हो अगर आप सस्ते में करना चाहते हो। तो फिलहाल बस मुझे अपना विज्ञापन करना था, 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लो भाई, पहले आओ पहले पाओ।
इसी के साथ आज की इस वीडियो को, आज के इस विज्ञापन को ख़त्म करते हैं। आपने अपने 5-6 मिनट हमें दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।